इंडिया में देखिएगा लव मैरिज सक्सेस नहीं होता है। आप दीवार के इस साइड है, आपको दुनिया एक और की दिख रही है, आपको लग रहा है दीवार के उस साइड की दुनिया जो है ना बहुत अच्छी है, जिसको जो पसंद आ गई है तो अब उसके नाक का नकटी भी नथुनी लगता है। तो हम लोग दीवार के ना उस पार है ना इस पार, और जिसको अगर जिसको जो पसंद आ गई है तो अब उसके नाक का नकटी भी नथुनी लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़का लोग को इस सब में बड़ी इस सब में चल, क्योंकि जब वो स्कूल कॉलेज में रहता है ना तो जिसके पीछे पड़ा रहता है, चाहे लड़का हो या लड़की, तो दोनों में एक मेहमान वाला एक रिलेशन रहता है, मेहमान वाला, मेहमानदारी टाइप का। कभी फोन से बतिया लिया, कभी महीना एक महीना पर कहीं घूमने चल गया, ये एक मेहमान वाला रिलेशन रहता है। अच्छा, आज जिस दिन उस सब को ये सब उसको लगता है दुनिया कितनी अच्छी है, हम दोनों एक हो जाएं, फिर तीन हो जाएं, ऐसे करके अरे ऐसे ऐसे खूब नया नया सपना देखेगा। अच्छा, यही सब सपना लड़कियां ज्यादा देखती है, बबुआ रहते बबुआ बबुआ रहते उस सब का गृह घर से बाहर नहीं सोचती है सब जाते। तो ये सब चीज में उस सब अभी नया नया में ये सब को लगता है कि वो जो रिलेशन देखा रहता है वो एक मेहमान वाला होता है। किस मेहमान से किसका झगड़ा हुआ है, कुछ समय के लिए आता है फिर चला जाता है, और उसके बाद से ब्याह कर लेते हैं, लव मैरिज। अब मेहमान से वो हो जाता है सदस्य, जिसको हफ्ता में एक बार बात करते तो दिन भर खोपड़िए पे देख लेता है उसको। अरे भाई, कोई एक महीना पे आपको मेकअप करके कहे कि कैसा लग रहे हैं तो अपना कहे कि अच्छा लग रहे हो या अच्छा लग रही हो, तो डेली सुबह टिक टाक के बजे कैसा लग रहे हैं। अरे यही हो जाता है, इसीलिए इंडिया में देखिएगा लव मैरिज सक्सेस नहीं होता है। रीजन क्या है, जिसे आप मेहमान समझ के लाए थे उसे आप सदस्य बना ले, मेहमान के मेहमाने भर रहता है। समझ आ गया कि नहीं? अब कोई लड़की के तुम बदल गए हो, ऐसे जब बदल गए हो यहाँ थोड़ा नहीं पता था क्या, मेहमान जैसा रहो। अब आप बताइए, आप ही क्या कोई मेहमान आके दो साल रह जाए तब दाल चावल चोखा अटक जाएगा तो आप पानी लाओ जी, छोड़ दे सर पानी ले नहीं समझा। अभी 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 लड़का लड़की बतियाता है उसको मच्छर का, हे भगवान मच्छर काट दे, ओहो ओ, और के बाद दो साल अगर ब्याह कर लिया ना सांप काट लेगा तो सांप का इलाज कराएगा वो यही काटा था, चल चल तुमको हम बचा लेते हैं, तुम ही चल जाएगा यहाँ। तो कभी भी आप दीवार के इस साइड है, आपको दुनिया एक और की दिख रही है, आपको लग रहा है दीवार के उस साइड की दुनिया जो है ना बहुत अच्छी है, अभी आपको जीवन का अनुभव नहीं है। हम लोगों ने आप बेरोजगारों की जिंदगी देखा है, कई ऐसे लड़कों लोगों को देखा जिसको लगता था कि भाई जब ये पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, उसको चौपट होते भी देखा है। समझ में आ गया ना? एक और ऐसे को देखा, कहता ब्याह हो गया मेरी जिंदगी बन जाएगी, और दो साल बाद रोता था। तो हम लोग दीवार के ना उस पार है ना इस पार है, हम दीवार के ऊपर है, हमको दोनों दिखता है, इसलिए हम आपको बताते हैं कि तुम दीवार के उस पार है, उधर ही की दुनिया ठीक है इधर आने का कोई मत करना। समझ आएगी ना? देखो क्या करा सर, ये सब जो बताते हैं इसका पीडीएफ दे दिया कीजिए इसको लाल पीला हरा करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग ये सब चक्कर में नहीं रहे, लड़की लोग को समझ में आ रहा है? कबो कबो मेहमानदारी में बोल देता है, इसलिए इस सब पे ज्यादा नहीं ध्यान देना, वरना लड़का वैसे ही बदलेगा जैसे क्रामवेल बदला था बदल जाता है, कोई होगा खोपड़िया दिन भर दिमाग नोचेगा तो क्या करेगा, देखो टकला हो गया दिमाग नोचवाने से। अब बताओ, हमको ही नहीं समझ में आता, एक हमको नहीं खाना बना के, और उसको जिस हमारे कई दोस्तों में जिसका ब्याह हुआ है ना नया नया, वो हमारे पास अपना दुखड़ा रोता है, कहता है कि एक बात बता भाई, खाना बना देगी और सामने में बैठ के खिलाएगी, उसके बाद पूछेगी कैसा बनाया, हम कहा बोले अब आप बताए कोई कह सकता है खराब बनाया कोई बोल सकता है? अच्छा, कैसा खराब लगेगा पढ़ाने के बाद अगर हम पूछे कैसा पढ़ाए खराब लगेगा कि नहीं लगेगा ये काहे पूछती है सब, हमारे पास अपना दुगरा होता है, कहता भाई हम कहा बताए एक के अच्छा उसको अच्छा बना ना ऐसा ही बोल रहे हैं अच्छा परेशान हो जाता है, हम कहे एक दिन हमको ले चलो खाना पे, हम उसके बाद तो हमरे से पूछे कैसा बना है, ठीक बना है तो बनाए को बने ठीक बना है, ओकरा से पूछे तुम अभी भी वैसे ही बनाता है जैसे स्टूडेंट लाइफ में था
वो नहीं बनाया था। तो बेचारा परेशान परेशान रह जाते थे। आप लोग मत पूछिएगा इसे खाना अच्छा बना है या नहीं, ये खाने के अंदाज से पता चल जाता। अगर कोई इंसान ज्यादा ठीक ठाक, दो की जगह चार रोटी खा ली, आप समझ जाइए ठीक ठाक बना। नहीं समझ आया आपको, पढ़ाई समझ में आया है या नहीं आया, हम आपका चेहरा देख के बता देते हैं, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आ जाती है, अरे समझ में आ गया है। हम कि पूछने जाते हैं कैसा पढ़ाए। आप लड़की लोग बताइए, पूछना सही है कैसा खाना बना है? आप लोग कभी नहीं पूछेगा, बस नॉर्मल पूछ ले, और कोई चीज की कमी उमी तो नहीं, नमक तेन कोई नमक ज्यादा खाया, कोई सामने बैठा के पूछते हैं कैसा बना है। अच्छा बोल दीजिए खराब बना। दिन भर डिस्टर्ब रहेगा, मेरा खाना अच्छा नहीं बना। अरे जैसा बनाओगे वैसा नहीं बनेगा। शाम को खाना फिर नहीं बनेगा, देखो ये टकला को जही में कोई ना कोई बाल नो जाए। कह रहा है कि सर अगर कह दिए सही नहीं बना तो शाम में नहीं बनेगा खाना। देख रहो, नॉलेज अलग चीज होता है, एक्सपीरियंस अलग चीज। तो समझ में आ रहा है ना आप लोग को? लड़की लोग दिमाग में एक चीज गांठ बैठा के रख लेना, ज्यादातर आपको क्राम बेल मिलने वाले हैं। बोलेगा कुछ और पलट जाएगा कुछ, बस उसका ज्यादा दिमाग नहीं नोचना है।